हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक और वीडियो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की यहां पे लेकर आया हूं। और जैसा आपको मालूम है, हम आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स की प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यहां पे करते हैं। और इसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल डेटा, यानी प्रीवियस जो क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस हुई है उसको लेते हुए हम आने वाली जो रिजल्ट है उसकी भी प्रेडिक्शन यहाँ पे करते हैं कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज की, यानी TCS की, जिसकी रिजल्ट आने वाली है आज ही के दिन 11 तारीख जो अप्रैल 2023 में क्वार्टर फोर की रिजल्ट होगी FY23 की। तो चैनल की वीडियो की सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई है, तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई बटन में लिंक भी दे दिया, इसको भी क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो शुरू करते हैं सेल्स की प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर्स में कैसा रहा और आने वाले रिजल्ट में क्या हो सकता है। तो ये देख सकते हैं कंपनी की जो प्रीवियस, यानी मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ देख सकते हैं लगातार आप सेल्स क्वार्टर की ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। तो चलिए हम फोरकास्ट भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो फोरकास्ट में 60,688 करोड़ की यहाँ पे फोरकास्ट दिखा रही है। तो अगर ये नहीं होता है तो लिस्ट कितना हो सकता है, इसे नीचे लोअर कॉन्फिडेंस कितना हो सकता है, 60,185 का बन सकता है, या अगर हायर इससे ज्यादा अगर बन रहा है तो कितना हो सकता है, 61,192। तो यही चीज हम देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है। यहाँ देख सकते हैं सेल्स फोरकास्ट में जो हमने देखा था तो 4.22% बन सकती है। ये प्रेडिक्शन है, ये डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, तो हम उसको वेट करना होगा कि क्वार्टर रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट तक। तो लोअर कॉन्फिडेंस के मुकाबले में देख सकते हैं आप 3.36% बन सकती है, अगर हाइयर अगर रीच करता है तो 5% तक भी जा सकता है। यही चीज हम ईयर ऑन ईयर का भी देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर में आपको जहाँ पे 19.96, यानी मार्च 22 से लेकर मार्च 23 तक अगर देखते हैं सेल्स ग्रोथ 19.96% की फोरकास्ट यहाँ पे दिखा रही है। अगर लोअर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो 18.96% तक बन सकती है, या अपर कॉन्फिडेंस यानी हायर साइड पे अगर देख सकते हैं तो 20.95% तक भी जा सकती है। तो आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी हो सकती है, ये मैंने प्रीवियस डेटा यहाँ पे ले लिया है, मार्च 22 से लेकर दिसंबर 22 तक ये क्वार्टर्स के डेटा है। और यहाँ देखिए फोरकास्ट 11,136 तक बन सकती है। तो अगर नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 10,326, यानी पिछले क्वार्टर से नीचे जा सकता है, और हायर साइड पे अगर बात करते हैं तो 11,946 तक भी जा सकता है। तो चलिए हम नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। तो 2.33% यहाँ पे देखने मिल रही है, ये फोरकास्ट वाली है। और लोअर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो माइनस में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अपर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो 9.77% तक है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट फोरकास्ट अगर देखते हैं तो 11.82% तक बन सकती है, और लोअर कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है 3.69 तक, लेकिन ये कम है। और अपर कॉन्फिडेंस की अगर बात कर लेते हैं तो 19.96% तक बन रही है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर से लाइक करें और बेल आइकॉन को हिट कर दें। तो आगे हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। इससे हमें मालूम है कि ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसका यहाँ से पता चलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन रही है, और इसी से कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है कि परफॉर्मेंस कितना हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो प्रीवियस डेटा से देख सकते हैं कि जून 2022 में यहाँ पे नीचे की तरफ गया था, और दिसंबर 2022 का 27% है। तो
फोरकास्ट कितना हो सकता है देखेंगे, 27% का फोरकास्ट दिखाई दे रहा है। और अगर लिस्ट की बात करते हैं तो 25% यानी पिछले क्वार्टर से नीचे आ सकता है, और हायर साइड की अगर बात कर लेते हैं तो 29% तक भी जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर यानी EPS, ये भी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स देखते हैं। और यहाँ देख सकते हैं 22 का 27.13 EPS था और दिसंबर में 29.64 था, तो फोरकास्ट कितना हो सकता है, 30.33 का फोरकास्ट दिखाई दे रहा है। और लोअर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो माइनस में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और अपर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो 9.77% तक है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट फोरकास्ट अगर देखें, लोअर कॉन्फिडेंस की अगर बात करते हैं तो 28.09 की है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से नीचे जाने की यहाँ पे चांसेस हैं। और हायर साइड की अगर बात करते हैं तो 32.57 यहाँ पे दिखाई दे रहा है EPS बनते हुए। इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि लोअर साइड यानी लोअर कॉन्फिडेंस की अगर जब हमने बात की तो प्रीवियस क्वार्टर से यस लोअर कॉन्फिडेंस नीचे रहा है और फोरकास्ट पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है, चाहे वो सेल्स फोरकास्ट हो, नेट प्रॉफिट हो, या ऑपरेटिंग फोरकास्ट या EPS हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। और तो जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को लेकर बनाया है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की जो भी यहाँ पे बनाई है सिर्फ वो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी रहती है, जैसे ग्लोबल इश्यूज हैं या इंटरनल कंपनी के इश्यूज हैं, ये भी यहाँ पे फैक्टर होते हैं, तो ये भी देखना होगा। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करेंगे कंपनी की रिजल्ट्स अनाउंसमेंट होने तक, और फिर से हम आएंगे एक और वीडियो के लेकर जो अपनी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और कंपनी के रिजल्ट से कितनी मिल रही है ये भी देख लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप कोई कंपनी की प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।